देखो लब्बू अपने फूफा जी के साथ कैसे सोई है। वैसे खींचोगे ना तो दो चार बार करते हैं, ये सोना मुलायम होना होता है, बाहर ये तो वहाँ टेस्ट हुआ है ना बार बार। हाँ। ये 10 से 15 बार खुला तो वो ये चक्कर नहीं 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 अब राहुल ने संभाल लिया बागडोर गाड़ी की, ये तिरछा हो रहा है राहुल ट्रैक। मुझे देना पड़ेगा तभी तो फॉलो करेंगे। दे देंगे, अभी तो यही है, थोड़ी तसल्ली रखो। ये मैक्सी एक्सी वालों को मतलब पहन सकती हूँ मैं अपनी बहन की मैक्सी। बलून फोड़ दो बेटा, मेरा तो फोड़ने का मन हो रहा है मेरा। ये देख, ये देख लो अब निकाला है बलून। लब्बू गद्दा को क्या पूजा, वो सो भी गई गड्डी। देखो कुछ नहीं हो जाएगी इसको भी, गद्दा सोया है। देखो लब्बू अपने फूफा जी के साथ कैसे सोई है। लब्बू गुड मॉर्निंग, दोस्तों मैं आ गई कटारिया ज्वेलरी शॉप में और मैं वहाँ पे अपने इयररिंग्स चेंज कराऊंगी, क्योंकि बार बार आपको पता ही है गिर जा रहे थे वो, तो खो जाएं इससे पहले मैं चेंज करवा ले रही हूँ। अब मैं देखती हूँ कौन सा डिज़ाइन मुझे मिलता है, और रुचि भी आई है साथ में। वैसे खींचोगे ना तो दो चार बार करते हैं, ये सोना मुलायम होना होता है, बाहर ये तो वहाँ टेस्ट हुआ है ना बार बार। हाँ। ये 10 से 15 बार खुला तो वो ये चक्कर मतलब भैया ने तो फोटो फोटो खींच के भेजने पड़े। नहीं वो यूट्यूब में वीडियो डालती हूँ ना मैं। अच्छा। हाँ मेरे ब्लॉग डालती हूँ मैं। अच्छा तो उसमें भी बना के डाल रहे। अरे वेरी गुड। तो ये तो सेम वैसे थोड़ा सा पैटर्न चेंज है पीछे से, जो लॉक का है ना वो पैटर्न मेरा चेंज है, इससे पहले खो जाते मैंने लगभग वैसे ही ले लिए। देखिए मेरी हमारी रुचि कर रही है हिसाब किताब। क्यों रुचि ये मैंने पर्स मांग लिया अंकल जी से। ये चलो हम जा रहे हैं रुचि की दुकान में मन्नू के लिए क्रॉक्स लेने। अंकल जी नमस्ते। तो ये है रुचि की दुकान। हम मन्नू के लिए देखो चल अब जा। एक दोस्तों
तो कान के हमने बदलवा लिए हैं बस, और क्या बोलूं यार, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पत्ते वाले ले लेने चाहिए थे ना, पान के पत्ते ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना हैं। नहीं 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 मम्मी मम्मी Four months later. खाना बन रहा है और आज की डिश बना रहा है राहुल, मुझे मसाले वगैरह दे रही है। आज 2 किलो बना रहे हैं जो कि मैंने 2 किलो कभी नहीं बनाया है, तो इस क्वांटिटी में आज देखते हैं कैसा बनता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं निकल रही हूँ यहाँ से लखनऊ के लिए, वहाँ पे मुझे फिर से एडमिट हो जाना है। अभी मेरा यही है डिस्चार्ज एडमिट डिस्चार्ज एडमिट डिस्चार्ज एडमिट, हर 14 दिन में मुझे एडमिट होना पड़ता है। आप लोग इससे पहले बोले कि मतलब अभी तो एडमिट हुई थी, फिर एडमिट, फिर एडमिट, फिर बीच के मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाए, जो बीच के 12-13 दिन के होते मैं कम शूट करती हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पेंडिंग ब्लॉग है आप लोग जानती हैं। तो अगर मैं फिर से वहाँ पर एडमिट हो जाऊँगी, मैं रेडी हो गई, ब्रेकफास्ट करना है, नहा लिया है, धो लिया है, सब रेडी हो चुके हैं। और क्या बोलूँ मैं आप लोगों से, चलिए दिखाती हूँ मैं बाहर का नज़ारा, मेरे हस्बैंड दिखाएंगे, मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। यार खुशी चप्पल अच्छी लग रही है, 200 रुपए की, उसमें ऑनलाइन 180 रुपए की और सस्ती ले लेना ना, बता दे मेरे मानू के ले लूंगी, पलाऊ में पैर देख ले, साइज देख ले, हमारा लग गया है दोस्तों। दरवाजा बंद करना, रोशनी आ रही है, खुशी के अकाउंट में पैसे डालोगे, डाल दोगे, सही बात है, सिर्फ बात भी ऐसी करते हैं ना यार। तो दोस्तों ये लोग जा रहे हैं, सब लोग हाँ, तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग जा रहे हो, तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, ओहो गाड़ी में बदबू, एक बैग और भी तो आगे वो आगे रहेगा। हर बार मैं ये लोग उनको छोड़ के ये मुझे जाते थे, इस बार मैं छोड़ के जा रही, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, जैसे ऑन होता सब लोग कितनी स्वीट स्माइल मारने लगते हैं मेरे इसमें। रेस्ट करने के लिए रुक गए हैं, थोड़ी देर चाय पीते हैं, क्योंकि सर घूम रहा है सुबह सुबह बैठ के गाड़ी में। माँ ये देखिए, तो यहाँ मैं फिर से उतर गई हूँ भोजपुरा हॉस्पिटल के सामने मेडिकल कॉलेज, ये रहा राममूर्ति मेडिकल कॉलेज, इसके सामने मैंने यहाँ से काफ़ी कम से कम 5 से 6 साल ट्रीटमेंट करवाया, सर्जरी भी करवाई है यहाँ पे। कच्चर पच्चर में तो ये मटर लूँगी मसाले वाले 2, मैंने कहा ये ला दो मेरे लिए, उल्टी आने जैसा हो रहा है, गजब वाला।
ऐसा मन कच्चा कच्चा सा हो रहा है ना। ये मसाला वाला मटर खा ली मैं, कुल्लड़ वाली चाय पीऊंगी। देखो ऑर्डर कर दिया, ऐसा लग रहा अब आई तब आई। मस्त कुल्लड़ वाली चाय, मीठी हो रही, इतनी मीठी हो रही है। हम लोगों को मीठी पसंद है ना, कोई कोई फीकी बनाते हैं, मज़ा नहीं आता, तो मीठी हो रही है खुशबू। गर्मी हो गई, मैंने हुडी वुडी उतार दी और मैं पीछे भी आ गई। अब मैं सो जाऊंगी, मुझे निन्नू आ रही बहुत तेज। जमाने तो सो चुकी है, हमारे ड्राइवर भी चेंज हो चुके हैं। अब राहुल ने संभाल लिया बागडोर गाड़ी की। ये तिरछा हो रहा है राहुल, ट्रक निकल जाने दे, साइड भी नहीं दे रहा हमको। कोई बात नहीं, सारा वाले ना साइड नहीं देते, बदतमीज होता है। गाड़ी थी ना वो उधर, गाड़ी खड़ी थी वो राइट साइड में जा सकता था। पागल, रिस्की ट्रक होता है, जितना बड़ा वाहन होगा उतना मूवमेंट करने में वाहन को दिक्कत होती है। छोटा वाहन दाहिने बाएं हो जाता है। अपनी भी अगर ये 7 सीटर या 8 सीटर होती ना तो हम लोग को भी मूवमेंट करने में उतनी। दोस्तों मैं पहुंच गई लखनऊ और अभी बज रहे हैं 5 PM और टाइम से हम लोग लखनऊ पहुंच गए। बट अब एडमिट होने का फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स के 2 copies करवानी थी, मतलब फ़ोटो कॉपी, तो वो करवाने के लिए गए हैं मानू के पापा। अब मैं अभी सदर में हूँ, उसके बाद कमांड गई थी, वहाँ बंद था जहाँ पर फ़ोटो स्टेट होती है, तो अब इसलिए अब हम यहाँ पर करवाएँगे। फिर उसके बाद मैं एडमिट जाऊँगी। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मुझे भूख भी लग रही है, खाना भी नहीं खिलाया इन लोगों ने मुझे रास्ते में। अब सीधे रात को ही खाएंगे क्योंकि लेट हो जाएगा फिर एडमिट होने के लिए। तो दोस्तों ये 16 नवंबर का मेरा व्लॉग है। मुझे डॉक्टर ने एडमिट नहीं किया क्योंकि एक कार्ड होता है उसके, डॉक्टर क्या मतलब जो नीचे का स्टाफ होता है, बिना उस कार्ड के वो एडमिट नहीं करता है, तो एडमिट नहीं किया। करीब मुझे 8 बज गए थे वहीं पे, फिर मैं अपने डॉक्टर से मिली। जब मेरे डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा आप कल आइएगा, मैं आपका कल ट्रीटमेंट करवा दूंगा। तो आज मैं अपनी मौसी के घर आ गई इसलिए। ये देखो वो डिस्को लाइट भी लगाई है। हाँ, ये देखा। तो सीधे मैं मौसी के घर से ब्लॉग बना रही हूँ। मैं मौसी घर में आ गई, मुझे आज एडमिट नहीं किया, कल मुझे OPD में इंजेक्शन लग जाएंगे। हाँ बोल तो रहे हैं, अब देखो कल क्या होता है। और बस ये पानी पी रहे हम, ठीक है। मैंने सब कुछ उतार दिए थे मंगलसूत्र वगैरह एडमिट करेंगे, क्योंकि एडमिट ही नहीं किया। मैं कहा मैं संभाल के गाड़ी में पर्स में उसमें रख देती हूँ। क्या पता नहीं कैसे कैसे बेटा, तब नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ बेटा, आ गए तुम्हारे। हाउ आर यू, आई एम बैक गाइस, हाउ आर यू। तो ये रहा गेस्ट रूम, सरकारी गेस्ट रूम। ये बेड कूलर खुला पड़ा है। उधर रूम में और लाइट करूं किधर, उस लाइट से क्या हो जाएगा। हाँ, तो बहुत कुछ किया। ये भी जल गई, लाइट चल रही अपोजिट एक दूसरा है। दोस्तों हम आ गए गेस्ट क्वार्टर में, दिखाई दिया मैंने गेस्ट क्वार्टर, और अब हम खाना वाना खाएंगे। मम्मी ने आलू मेथी की सब्जी और पूड़ी दी थी, और राहुल ने और मानू ने वहीं डोसा खा लिया था। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे आपसे फिर से नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। अब तक ले, बाय बाय, गुड नाइट।